दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार को जल्द मिलेगा दरभंगा एम्स। 150 एकड़ जमीन चिन्हित, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से होगा लैस। जी हां, दरभंगा में प्रस्तावित बिहार के दूसरे एम्स के लिए जमीन की बाधा दूर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दरभंगा के बलिया मौजे में 150 एकड़ जमीन एम्स के लिए चिन्हित कर लिया है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी एम्स के लिए न्यूनतम 150 एकड़ जमीन ही चाहिए। एम्स के लिए चिन्हित स्थल आमा से दरभंगा 4 लेन से यह महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकारी के लिए बता दें कि चिन्हित जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से दरभंगा के डीएम को अधियाचना भेजी गई है। चूंकि मामला अस्पताल निर्माण से जुड़ा है, इसलिए एम्स के लिए चिन्हित स्थल को प्राथमिकता के तौर पर अधिग्रहण का आदेश दरभंगा जिला प्रशासन को भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एम्स के लिए जिस जमीन को चिन्हित किया गया है, उसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण के साथ ही संबंधित किसानों को पैसा भुगतान भी शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 4,34,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। यदि कि बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होगी। बीपीएससी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। एडमिट कार्ड 28 जनवरी को जारी होगा। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी के सचिव रवि कुमार ने बताया कि 4,34,671 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राज्य के 35 जिलों के 805 केंद्रों पर परीक्षा होगी। पटना में 68 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 40,477 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं पीटी में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 334 पदों के लिए परीक्षा होनी है, यानी एक सीट पर 1300 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में फिर जहरीली शराब से 8 की मौत, 6 के आंखों की रोशनी गई। थाना अध्यक्ष सस्पेंड, सैनिटाइजर के लिए मंगाई स्प्रिट से बनाई शराब। यह देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर मचाया हुआ है। सिवान जिले में पिछले 24 घंटों में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एक मौत गोपालगंज में भी हुई है। 14 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। इनमें 6 लोगों की आंखें की रोशनी चली गई है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सोमवार के शाम मामले में कार्रवाई करते हुए सिवान एसपी ने लकड़ी नवीनगंज ओपी थाना अध्यक्ष सूरज प्रसाद और चौकीदार मोहम्मद शामिल को निलंबित कर दिया है। इससे पहले कल एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि सैनिटाइजर बनाने के लिए कोलकाता से स्प्रिट मंगाई गई थी, उसी से शराब बनी थी। साथ ही पुलिस ने मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पटना से फॉरेंसिक टीम भी बालागढ़ पहुंची है। टीम ने खेत में फेंके गए शराब के सैंपल लिए हैं। बड़ी खबर में देखिए, बोध गया में 27 दिसंबर से बौद्ध महोत्सव। पहले दिन क्लास कर देंगे प्रस्तुति, अंतिम चरण में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव की तैयारी। देखिए, 2 साल बाद इस बार बौद्ध महोत्सव बोध गया में होने जा रहा है। महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इस बार बौद्ध महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से लेकर स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जा रहा है। यही नहीं, 9 राज्यों का ग्राम श्री मेला भी लगेगा। सभी 9 राज्य के प्रोडक्ट्स मेला में आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 जनवरी को क्लास की प्रस्तुति होगी, वही 28 को आनंद राज आनंद की प्रस्तुति होगी, वही 29 जनवरी को श्रद्धा पंडित की प्रस्तुति होगी। बड़ी खबर में देखिए, 31 जनवरी से बीएसएससी अभ्यर्थी अनशन पर जाएंगे। पेपर लीक मामले में 30 जनवरी को करेंगे कार्यालय का घेराव, आयोग को सौंपा ज्ञापन। जी देखिए, बीएसएससी अभ्यर्थी सोमवार को एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर बीएसएससी कार्यालय पहुंचे। बीएसएससी की एक पाली की परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन अभी भी 2 अतिरिक्त पालियों की परीक्षा रद्द नहीं हुई है। इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कल इसी को लेकर अभ्यर्थी कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि बीएसएससी कार्यालय पहुंचकर अभ्यर्थियों ने आयोग को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 दिन के अंदर तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं होती है तो 30 जनवरी को तमाम जिलों से हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पटना पहुँचेंगे। यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के घेराव करेंगे। इसके बाद भी यदि आयोग नहीं माना तो 31 जनवरी से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ड्यूटी से गायब डॉक्टरों की आएगी सामात। इन 12 जिलों में जीपीएस से रखी जाएगी निगरानी। जी हां, देखिए, बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी राजद नेता तेजस्वी यादव के ऊपर आई है, तब से वह राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं में
बढ़ोतरी और सुधार को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य विभाग लगातार सात कर्मियों की निगरानी और अस्पताल की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। इस कड़ी में अब मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 12 जिलों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रेगुलर ड्यूटी पर है या नहीं इसकी निगरानी जीपीएस से की जाएगी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के मोबाइल में लगा जीपीएस उनके लोकेशन की जानकारी देगी। स्वास्थ्य विभाग जीपीएस के जरिए यह जानकारी इकट्ठा करेगी कि सुबह से लेकर रात तक जिन डॉक्टरों की ड्यूटी एक निर्धारित वार्ड में लगा है वह कितने बजे अस्पताल आते हैं और कितने बजे जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिन जिलों के नर्स और डॉक्टरों को यह आदेश दिया उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, समड़ी, सिवान, वैशाली का नाम शामिल है। हालांकि इन जिलों में सभी डॉक्टर को यह आदेश नहीं दिया गया है बल्कि केवल उन डॉक्टर को यह आदेश दिया गया है जो ES वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सरस्वती पूजा कमेटियों को लेना होगा लाइसेंस, अश्लील गाना बजाने पर होगी कार्रवाई। देखिए बिहार के कटिहार जिले में आगामी गणतंत्र दिवस व सरस्वती पूजा को लेकर बलिया बेलोन में थाना अध्यक्ष अंजय अमन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। उन्होंने गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के माहौल में मनाने की तैयारी चल रही है, इसके साथ शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की पूजा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी पूजा कमेटियों को लाइसेंस जरूरी है, इस मौके पर लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही डीजे व अश्लील गानों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कहा गया है कि पूजा को लेकर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्ती की जाएगी, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से होगी गैस की सप्लाई, यानी कब से पूरे होंगे प्रोजेक्ट। जी हां देखिए, बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से गैस की सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है। अभी बिहार के ऐसे 8 परियोजना पर काम हो रहा है। अगले 5 से 7 साल में बिहार के सभी शहरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बिहार में चल रही कई परियोजना समय से नहीं चल रही है। 2024 तक पूरी हो जाने वाली परियोजनाएं अब 2028 तक पूरी होने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर में देखे, नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में संशोधन, नया कार्यक्रम जारी, अब इन जिलों में जाएंगे सीएम। जी हां देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में संशोधन किया गया है, इसका आदेश कैबिनेट सचिवालय ने सोमवार को जारी किया है। मुख्यमंत्री अब 28 जनवरी को कैमूर और 29 को खगड़िया जाएंगे। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 28 को खगड़िया और 29 को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा जाना था। इसी तरह अन्य जिलों की यात्रा की तिथि में भी बदलाव किया गया है। नए आदेश के अनुसार 1 फरवरी को मुख्यमंत्री सुपौल जाएंगे, वहीं 2 फरवरी को सहरसा, 3 को अररिया और 4 फरवरी को किशनगंज की यात्रा पर रहेंगे। साथ ही 5 फरवरी को कटिहार, 6 को बांका और 7 को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा जाएंगे। हर दिन यात्रा पूरी कर वह पटना लौट आएंगे, फिर अगले दिन संबंधित जिले में जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर पटना की सुरक्षा रहेगी कड़ी, इन जगहों पर रहेगी विशेष नजर। जी हां देखिए, राजधानी पटना में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह और सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। इन दोनों समारोह को लेकर राजधानी में 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पूरे गांधी मैदान को 6 सेक्टर में बांटा गया है। जानकारी है कि राजधानी पटना में हर साल गणतंत्र समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन इस बार इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। इसके साथ ही 24 जनवरी से ही शहरों में वाहनों की चेकिंग तेजी लाई जाएगी और हर होटल के साथ ही गेस्ट हाउस आदि की जांच की जाएगी। इसके अलावा गश्ती भी तेज की जाएगी। सुरक्षा को लेकर 700 अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गई है। बड़ी खबर में देखिए, 87 SC ST आवासीय विद्यालय में कक्षा 1 में लॉटरी से होगा नामांकन, 26 के लिए 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा। जी देखिए, राज्य सरकार ने SC ST आवासीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। SC ST कल्याण विभाग ने हर हाल में 1 अप्रैल से यहां शैक्षणिक सत्र शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए व्यापक योजना बनाई गई है। पहली और छठी कक्षा में नामांकन की योजना है। पहली कक्षा में लॉटरी सिस्टम से नामांकन होगा, जबकि छठी कक्षा में 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा होगी। नामांकन में अभिभावक की आय की कोई सीमा नहीं होगी। 15 फरवरी तक आवेदन होगा और 15 से 28 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस संबंध में विभाग ने जानकारी भी सार्वजनिक कर दी है। इस समय सूबे में 87 SC ST आवासीय विद्यालय है। यह व्यवस्था सभी विद्यालयों के लिए लागू है।
बड़ी खबर में देखिए, अब माध्यमिक शिक्षक के 8 और उच्च माध्यमिक 4 वर्ष के अनुभव पर ही बन सकेंगे प्रधान अध्यापक। यदि राज्य के शिक्षक अब 2 से 4 वर्ष पहले ही प्रधान अध्यापक के लिए पात्रता हासिल कर लेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए शिक्षकों के अनुभव अवधि में कमी कर दी है। अब माध्यमिक शिक्षक 8 वर्ष जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक 4 वर्ष के अनुभव पर ही प्रधान अध्यापक के लिए परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा करनी थी, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 वर्ष की सेवा आवश्यक थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में इसी आधार पर आवेदन लेकर परीक्षा ली गई थी। कई शिक्षक संगठनों द्वारा इस अनुभव की अनिवार्यता को कम करने का सुझाव दिया गया था। राज्य में दोनों तरह के स्कूलों की संख्या लगभग 10,000 है। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इस तारीख से पहले करें आवेदन। यह देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न परीक्षा बोर्ड से वर्ष 2021 व 22 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा वर्ष 2021 में 10,000 व परीक्षा वर्ष 2022 से 25,000 रुपए मिलेंगे। NIC द्वारा विकसित एक कल्याण पोर्टल को medhasoft यानी कि medhasoft.bihar.nic.in के माध्यम से खोलकर अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के लिए छात्राओं को इंटर परीक्षा का पंजीयन संख्या, प्राप्तांक, जन्मतिथि, नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व अविवाहित होने की घोषणा अंकित करनी होगी। इसका सत्यापन जिला मुख्यालय करेगी। खबर में देखिए, बिहार में जल्द खुलेंगे 9 नए डिग्री कॉलेज, राज्य सरकार ने दी मंजूरी, इन जिलों में छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा। जहाँ देखिए, बिहार में 9 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। ये कॉलेज सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर, कटिहार जिले में मनिहारी, बेगूसराय जिले में तेगड़ा व बलिया, पूर्णिया जिले में बायसी, दरभंगा जिले में बेनीपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा और नालंदा जिले में राजगीर शामिल है। राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य योजना मद से जारी की गई है। सोमवार को मंजूर राशि में से 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना मद में इन डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए 21 करोड़ रुपए और दिए जाने हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिम्मेदारी गई है। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में केवल 5 करोड़ रुपए सोमवार को जारी किए गए हैं। महालेखागार को इससे अवगत करा दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।